तो मेरे तो सामने बीजेपी और दूसरी सब एक साथ, बी टीम कांग्रेस की सब एक साथ ही है। और आपको पता है धारती तो किसी को हूं नहीं, मैं ही बचा रहा ऑटो कार्ड। पांच गलती टंकी काटी है ना, उस गलती के लिए 21 टंकी लूंगी। तो ये तो आपके जब साहब ने पांचला घेवड़ा तिवरी मथानिया के जब दस्तखत किए थे और उससे काम हुआ तब आपकी बड़ी बन गई। आपकी टंकी से क्या हुआ मैं ये बताती हूँ कि आपकी टंकी है बहुत बड़ी, 500 केल की कितनी की है, बहुत बड़ी टंकी है वो, और वो बहुत ज्यादा गांवों की आपूर्ति करती है। तो जब जाखड़ों की ढानी और दूसरी जो आसपास आपको हमें देनी थी तो डिजाइन ड्राइंग में उनको काट दिया, उड़ा दिया। अब बैठे हो गई बहुत सारी, आपके डिजाइन में उनको काट दिया कि क्षमता से अधिक बड़ी टंकी यहाँ बनी हुई है, तो ये पास में दूसरी टंकी की कहीं किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, ये क्षमता डबल है यार। तो टंकी काट दी। तो फिर मैंने आपके वोट की ताकत थी, और आपको पता है धारती तो किसी को हूं नहीं, और जूतम पज्जार हुई, मैंने खोला तो कटी कैसे, तो मैप खुले पूरे जो महकमे के ACS होते हैं, IAS अधिकारी है, उन्होंने भेजा चीफ इंजीनियर को, मैप खुला और बताया कि साहब ये 500 के से ऊपर की बड़ी टंकी थी इसलिए काट दिया। तो मैंने कहा आपको क्या जोर आया बनाने में, मेरे पिता ने बनाई थी बड़ी टंकी, बोलो उस वक्त बड़ी टंकी बनी थी, तो अब आप बड़ी टंकी से दूसरी टंकी काट दोगे, मैंने ये क्या कारण हुआ। तो बहुत सारी जगह हमने बड़ी टंकियां बनाई है कि साहब उस वक्त अगर छोटी बना देते तो हम दूसरी दे देते। मैंने कहा कालजा मोटा है हमारा, वो बड़ी बनाई थी और ये भी लेंगे, तो मेरा ये तर्क हुआ था। तो उसके अंदर ये एकल खोरी वाली के अंदर ये पजापज हो गई थी कि इस टंकी की क्षमता और ये बहुत बड़ी टंकी है। फिर आपको पता है वोटों में सरपंचों का चुनाव होता है, कोई नाम खोलता है जुड़ जाता है, चार पांच दिन रामायण चलती रहती है ना, कोई खोलता है जुड़ जाता है, कोई सामने कर देता है, नहीं है। ये चलता रहता है आपके, और फिर दूसरी बार चुनाव होता है तो किसी के बैर हो जाता है तो वो बड़ी निकालता है। तो PhD में हमारे पांच टंकियां काट दी, जब सबमिट हुई मेरे को पता नहीं, उस वक्त हमारे काम हो गया था घर में साहब, तो जब पता चला तो मैं ही बचा रहा ऑटो कार्ड दी। मैं कहती हूँ यार तो पांच टंकी काटी तो मैं थोड़ी बात करी, पर जब मैं मंत्री ने हाचो लियो विधानसभा में जवाब देनो पड़ो कि भाई कहीं है कहीं और करिया काटिया राज रोपे हो, जनता रवाज से कह रही किसको दिक्कत हो रही है। तो ये कहा गया साहब हम अब पांच टंकियां कर गए कर देंगे। मैंने कहा पांच टंकी कौन मांग रहा है आपसे, मेरे को पांच टंकी की कोई शक शुबा नहीं है, मैं वहां विधानसभा में क्लास ले रही थी तो इसलिए नहीं ले रही थी कि पांच टंकी लूं, वो तो मैं करा लूंगी, मेरे पास जोर है कराने का, वो इसलिए लिए कि पांच गलती टंकी काटी है ना, उस गलती के लिए 21 टंकी लूंगी, 21 वो बड़ी गाली मैंने, और मैं ढूंढे मैंने नक्शे, मैंने कहा अब कहां घुसाऊं, नहीं थी वहां पे भी घुसा दी, सब कर दिया, मैंने कहा आगे काम आएगी, कहीं जनसंख्या बढ़ जाएगी वहां काम आएगी, ऐसे करके 21 टंकी ली। बात की बात है काटी तो काटी कैसे, और काटी है तो पांच की, अब ये बात से पूर्ति नहीं होगी कि हमारी पांच काट दी, 21 टंकी ली मैंने और 100 का शतक लगाया, 100 का 206 गांव है ओसिया में, 81 ग्राम पंचायत है, और 100 टंकियां लेकर आई हूं, 206 में से आधे शतक में मैंने 100 का 200 का आधा 100 है, इतनी तो मैं टंकियां लेकर आई, और पहले टंकियां बनाई महिपाल जी ने, स्वीकृत उन्होंने करी फिर बनती रही, और ये अब मैं बना आपके जोर से मैंने स्वीकृत करी। वो कहा है, वो एक लेडीज थी ना वो अंग्रेजी बोलती है, अपने वहां मिली थी वोटों की सभा में, अच्छा मैंने आई थी आपकी 18 की सभा में, मैंने कहा था आपके इतना काम किया पंचायत समिति से कम 1 करोड़ से ऊपर का आपके फंड लगा, यहाँ पर इतना पैसा टंकी सब GSS सब हुआ,
और फिर अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो कोई काम नहीं कराएगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि सब काम कराते हैं ये, और ये वोट ही नहीं देते, काम से वोट ही नहीं मिलते। तो आपने जबरदस्त मजबूती रखी और मुझे एकल खोरी से जीता के भेजा। एकल खोरी से जीतने का सौभाग्य मुझे ही मिला सिर्फ। सिर्फ एक भाई जारी गलती मैं पाल चीज भाई, एक गलती घनी मार तो वो मैं अब बात बोलो, मेरे को सब पता है, आप रहने तो वोट आ गए बहुत जल्दी, आचार संहिता लग जाएगी। एकल खोरी में तो मैंने देख लिया मामला जोरदार एकदम। आप मोटी टंकी ली जो खेतो जी के मैं सब आप मोटो ले हूं। मैं मोटे नहीं है आते तो सब मोटो ही चाहिए तो मैं ठीक है। इसलिए मुझे खुशी है कि 5 साल का जब लेखा जोखा दे रहे हैं काम के आधार पर, आपकी बात के उस पर कोई और चीज हो कहीं कमी हमने आपके आने नहीं दी। और मुझे खुशी है कि एकल खोरी के 5 साल बहुत शांतिपूर्वक निकल गए। आप सबका स्नेह प्रेम बना रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गए। आपके एकल खोरी का टाइम तो था 2:45 का और अब बज रही है 6। बहुत सारे स्वागत बीच में रख दिए, तो 10-10 मिनट करते कोई, अभी अभी वहाँ पे गए हमारी दुकान का भी उद्घाटन कर दो, कभी बीच में कोई स्वागत कर रहा है, बहुत ज्यादा समय हो जाता है। क्या हुआ बहुत जो लड़ाई मंडी में बिठाते था थोड़ी है कहीं कहीं जो तुम बाजारों में ला थोड़ा सरपंच नहीं बथारी मीटिंग है करो। अरे हम महंगा इसलिए बढ़िया कार्यकाल रहा, 5 साल निकल गए, कोई कमी आपके किसी प्रकार की आने नहीं दी, और इसीलिए वोट आने वाले और आप सबके आशीर्वाद से। किसी को धरती में हूं नहीं, कबड्डी में एक प्लेयर होता है, एक खिलाड़ी होता है जो सामने जाता है, कबड्डी कबड्डी बोलता है, और सामने वो 8-10 होते हैं हाथ पकड़ के घेरा घालते हैं। तो मेरे तो सामने बीजेपी और दूसरी सब एक साथ, बी टीम कांग्रेस की सब एक साथ ही है, पहले भी थी 8 में 18 में, तो वो सामने है। मैं कबड्डी कबड्डी करती हुई एकली जाती हूँ, कोई हाथ पैर पकड़वाती नहीं। आप मजबूती रखना, बाकी मेरे में पूरी मजबूती है, कहीं किसी को ताका लगने नहीं दूँ। मैं एक दिन सुबह सुबह जल्दी आए हुए थे केतराम जी, मैं पूछा क्या मामला है क्या चल रहा है, ये मैं हूं नहीं गवार नहीं कहूं मैं बता दे तो क्या मैं उस सन से इतने इतने तक वो इस चुनाव जब मैंने ठा पड़ जाए तो मैंने कहा ठीक है जब पूछ ले मां, तो मैं मारा भोपा तो थे ही हूं खुदरी खुद नहीं कर सके खुदरी नहीं था पड़े मुझे तो कह सके भाई ठीक है ना आपको काम करा दे वहां फीस बात कर दे वहां। और लोकतंत्र में जनता के हाथ में होता है निर्णय, तो आपके हाथ में होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल हमने आपका बड़ा स्नेह रखा बड़ा प्रेम रखा, आपने मुझे जिता के भेजा, तो हमने भी 5 साल आपके कहीं कोई कमी आने नहीं दी, कोई हटके फोन पे फोन किया बहुत 4 बातें मैं यहाँ कह नहीं सकती हूँ ठीक है ना ओके। पहल के मैं सम्राटन लगा आई थी तो रिकॉर्डिंग हो गई हुई नहीं हुई तो मुझसे यहाँ खिलवाओ मत नहीं, नहीं भाई आपके आपकी चीज पता है, आराम से आप बहुत रहे हो 5 साल और ऐसा ही चाहते हो तो मजबूती से आगे रखना बहुत बहुत।